आदि पुरुष पर बहुत सारे यूट्यूबर रीएडिट वीएफएक्स करके वीडियो डाल रहे हैं, पर उतना नहीं कर पाएंगे जितना मैं एनिमेशन में करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ फुल्ली वाल्मीकि जी के रामायण के जैसे एडिट करूँगा। फुल वीडियो नेक्स्ट संडे को आएगा, लेकिन इस वीडियो में कैसे एनिमेशन किया उसका एक छोटा सा वीडियो शेयर करूँगा। तो लेट्स बिगिन। मैं इस वीडियो में ये तीन सीन का एनिमेशन करूँगा। ये है हमारे जनक नंदिनी सीता जी, जिसके सर पर हमेशा घूंघट रहता था, तो मैं अभी ये घूंघट बना रहा हूँ। तो फाइनल रिजल्ट में वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। अब बारी है रावण की। तो मैं रावण का फोटो को कट करके डिस्प्ले पे ले आया हूँ। अब मैं उसके फेस को बनाऊंगा, जो हमारे रियल रावण होता है उसका दाढ़ी नहीं रहता है, मूछे रहता है, तो मैं बियर्ड को नहीं बनाऊंगा। और हमारे जो रियल रावण होता है उसका स्पाइकर हेयर नहीं रहता है, तो छपरी के जैसा नहीं बनाऊंगा, मैं लंबे बाल ही रखूंगा। जो एनिमेशन है उसको मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आया है। अब मैं रावण के लिए एक 100 करोड़ का मुकुट बनाया था, उसको मैं अब कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट हो गया, जिसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा रिजल्ट कुछ इस टाइप का है। तो अब मैं तीसरे फोटो पर चलता हूँ। ये चमकादड़ पर आ रहे हैं खिलजी साहब को मैं एडिट करूँगा। मैं कैरेक्टर को पहले से ही बना के रखा हूँ। इसके बाद में मेरा 100 करोड़ का जो मुकुट राजा के लिए बनवाया था उसको मैं पहनाऊंगा, राजा को, सॉरी खिलजी साहब को। इसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो चमकादड़ है उसको तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने बहुत खोजा, गूगल पर सर्च किया पुष्कर विमान, तो मैंने कुछ बेसिक आइडिया से, मतलब बचपन में जो देखा था, जो रथ में घोड़े रहते हैं उस हिसाब से मैं एक दो चार घोड़े बना डाला। और ये कुछ ऐसा दिखता है। इसका पैर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको मैं निकाल दूंगा। और ये आकाश में उड़ने वाला है, तो उसका पंख लगा दूंगा मैं। देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा है।